बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इंडिरेक्ट टैक्स में स्कोर करने के लिए सेवेंटी प्लस बिकॉज अपने पास जो ग्रुप में पेपर है उसमें एक पेपर ऐसा होना चाहिए विच इज ज द स्ट्रांगेस्ट जिसपे हम लोग ज्यादा स्कोर कर सके एंड एग्रीगेट की वजह सेट कैन बी योर इंडेरेक्स पेपर सो हम लोगों को इवन व्हाट एवर डेज यू हैव यू कैन स्ट्रेटेजाइज दिस वेरी वेल एंड जो जो तुम लोग गलती करते ना, गलती के, गलती हो नाती गलतियों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सो आई होप दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स क्ट टैक्स बट कभी कभी लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ये डायरेक्शन तो देना है सो आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन बिकॉज अपने वाले स्ट्रैटेजी आने वाले स्पेसिफिकली फाइनल का मैंने बात किया तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास कितने, कितने सारे चैप्टर्स हैं तो उसका पहले हम लोग थोड़ा अंदाजा लेते हैं सबसे पहले अगर देखा तो यस दीज आर अवर चैप्टर्स बेसिक्स ऑफ जीएसटी और वो सब ये अपना मॉड्यूल वन कंसिडर करते हैं ठीक है जो तुम लोगों को इंटर में भी था और वो फाइनल में कैरी फॉरवर्ड हुआ है राइट नाउ नाउ वी हैव चैप्टर्स एज वेल चैप्टर्स मतलब कौन से चैप्टर्स मतलब अगर देखे तो थ्योरी चैप्टर्स ये एक है जीएसटी के थ्योरी चैप्टर्स रिफंड असेसमेंट एंड ऑडिट और बाद में आता है कस्टम्स नाउ सबसे पहले सबसे पहला गलती जो सब लोग करते हैं दैट स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द फर्स्ट मॉड्यूल मतलब फर्स्ट मॉड्यूल में ना तुम लोग इतना टाइम डाल देते हो ना कि इसके वजह से तुम लोग जीएसटी के थ्योरी चैप्टर्स पे फोकस नहीं कर सकते मैं तुम लोगों को बताऊँ जीएसटी के थियोरी चैप्टर्स में तुम लोगों को of, of course, उसके क्वेश्चन देखे ना यू विल अंडरस्टैंड की ऑल द अदर जो क्वेश्चन आते हैं वो सिमिलर क्वेश्चन आते हैं मैं नहीं बोल रहा कि सब क्वेश्चन सिमिलर आते हैं बट यूल टू मेक आउट अरे भाई इतना ही करना है

हम लोगों को क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे बिकॉज वी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कभी कभी थियोरी में जो पढ़ते हैं और जो हम लोगों के क्वेश्चन में होता है कभी कभी देर इज अ डिफरेंस एंड दैट्स हम लोगों को क्वेश्चन देखने काफी इंपॉर्टेंट है नाउ द क्वेश्चन कम्स की सर क्वेश्चन कैसे देखें इतने सारे क्वेश्चन है और मुझे मैंने अभी तक तो कवर किया नहीं है तो मैं तुम लोगों को एटलीस्ट थोड़े चैप्टर्स मार्क करके दूंगा वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाना उसमें से तुम लोगों को नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट तुम लोगों को उसमें से क्वेश्चन दिखेंगे सर कौन से कौन से है सबसे पहला है रिफंड दूसरा है असेसमेंट एंड ऑडिट तीसरा है इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर चौथा है डिमांड एंड रिकवरी पांचवा है अपील्स एंड रिविजन ये जो चैप्टर है ना पांच चैप्टर्स में तुम लोगों को बताए फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज फाइव चैप्टर्स ओनली फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स एडवांस रूलिंग इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर यू कैन डू इट मतलब ये पांच चैप्टर के काफी अच्छे से पता हूं कि एटलीस्ट तुम लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उसके क्वेश्चन तुम लोग ने देख लिया योर स्टडी विल बी परफेक्ट बिकॉज आई नो दैट योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर एंड आई नो दैट यू हैव नॉट डन द्वेश्चन वेल सो प्लीज इसमें इग्नोर मत करना बिकॉज इसमें तुम लोगों का गेम चेंज हो सकता है

आई टी सी दे कैन ऑल्सो मिक्स मिक्स इट विथ

किया है तो एक बार प्लीज वो प्लेलिस्ट देखना आएम श्योर दैट इफ यू फॉलो दीज पॉइंट आई एम हंड्रेड परसेंट यूल टू स्कोर वेरी वेल इन एग्जाम सर डू है मॉक टेस्ट मैं तुम लोगों को बताऊ ट्राई टू राइट एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट बट अगर पॉसिबल नहीं होगा नहीं सर मेरे पास तीन घंटे डालने के लिए है ही नहीं मॉक टेस्ट में डालने के लिए देन इन दैट केस एटलीस्ट एक काम करना जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं पहले मॉक टेस्ट का पेपर लेना वो चैप्टर्स के क्वेश्चन पे जाना एंड टेक अंडरस्टैंड क्वेश्चन स्टार्ट राइटिंग दैट क्वेश्चन विथ टाइम मतलब टाइम टाइमर लगा के ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इससे होगा क्या कि तुम लोगों को जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट जाते हैं उसका टाइमर के साथ का भी प्रैक्टिस हो जाएगा इफ नॉट इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एवरीथिंग द एंटायर पेपर इन थ्री आवर्स राइट तो मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेते आऊंगा मैं तुम लोगों को बताऊ ये सब कुछ अगर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से किया ना बहुत अच्छे से तुम लोग स्कोर पा, कर पाओगे इन योर एग्जामिनेशन एंड डोंट फॉर्गेट To do these chapters perfectly along with the questions, nobody can stop you to get 70 plus in your uh, indirect tax paper. If you have tips and tricks, ke video please stay tuned on this channel because this uh, uh, on this channel, I'm going also going to do something really very interesting for you guys for final students. Uh, so stay tuned. This is Yamit Majan. That's it for today's video. I will see you in the next video. Till then, bye bye. See you and take care. If you have any doubts, honge, toh, please let me know in the comment section as well. I'll be really happy to serve all all your doubts bye bye take care